गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ तुहिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का इंट्रो कुछ अलग है, मैं सीधा अपना स्कूटी पर आ चुका हूँ। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 10:45 AM एंड मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। तो जाते जाते मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेते मेरे नेक्स्ट राइड के बारे में। तो आज का वीडियो में ये है कि नेक्स्ट वीक मैं एक लॉन्ग राइड पर जाने वाला हूँ, तो इसलिए लास्ट डे मैंने मेरे स्कूटी एविएटर को पूरा सर्विसिंग के लिए दिया था। सर्विसिंग एकदम हो चुका है, स्कूटी एकदम चकाचक है। मैं आज इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा हूँ, इसका ब्रेक, टायर प्रेशर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो सर्विसिंग के पहले स्कूटी के हैंडल का कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि जब मैं हाथ छोड़कर चलाता मतलब सिर्फ चेक करता था कि हैंडल सही है कि या नहीं है। उस टाइम हैंडल से दोनों हाथ छोड़ देने से ये सामने का टायर थोड़ा मतलब वाइब्रेट होता था। तो सर्विसिंग के बाद ये क्या ठीक हुआ कि नहीं, ये अभी चेक करना है। तो देखते ही ये सामने गाड़ी वगैरह को जाने देते, उसके बाद मैं हैंडल का छोड़ कर ट्राई करूँगा। पीछे एक कार आ रहा है, उस कार को पहले छोड़ देते, सामने चला दे, उसके बाद ही हम ट्राई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो रोड थोड़ा सा क्लियर है, सामने से फोर व्हीलर आ रहा है, जाने दो। तो अभी मैं दोनों हाथ छोड़ कर ट्राई करूँगा, देखूँगा कि हैंडल सही है या कुछ प्रॉब्लम है। लेट्स सी, ये मैं छोड़ दिया पूरा हैंडल, तो ठीक है, अभी ठीक ठाक है। जो प्रॉब्लम मैं पहले फेस कर रहा था वो अभी फ़िलहाल ठीक है, हैंडल एकदम स्ट्रेट है, कुछ वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा है। फिलहाल तो मैं हैंडल छोड़कर नहीं राइड करता हूँ, मैं जस्ट कभी कभार चेक करता हूँ हैंडल ठीक ठाक है कि नहीं। अब लोग अगर अब लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ रोड पर ऐसा ट्राई मत करो। तो स्कूटी का सब कुछ चेक करते हुए आज मैं ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हो, फ्लाईओवर का थोड़ा सा डिटेल सब लोगों को बताऊंगा, जिसको अभी तक नहीं पता है, थोड़ा डिटेल्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सामने है फ्लाईओवर, हल्दिया का फास्ट फ्लाईओवर है, वो तो कुछ मैंने पहले से बन चुका है ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर से जा भी चुका हूँ। आज मैंने सोचा कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो सामने यह बोर्ड देख सकते हो, स्ट्रेट जाओगे तो दुर्गा चौक एंड राइट साइड लोगे तो राइट साइड मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से आप कोलाघाट जा पाओगे, मेछेदा, कोलाघाट सिटी सेंटर सब कुछ आप फ्लाईओवर के ऊपर से जा सकते हो। अदरवाइज आप नीचे से भी जा सकते हो, स्ट्रेट जाकर लेफ्ट साइड में टर्न ले सकते हो। स्ट्रेट आप जाओगे तो आपको दुर्गा चौक मार्केट, दुर्गा चौक टाउन, दुर्गा चौक रेल स्टेशन एंड उसके पहले जो इंडस्ट्री वगैरह पड़ता है लाइक IOC एंड और क्या है, IOC, रुचि, एक्साइड, ये सब इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको स्ट्रेट जाना है। फ्लाईओवर से जाने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ्लाईओवर से आप जाओगे तो आप उस तरफ नहीं जा पाओगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर, चलो फ्लाईओवर से दिखाता हूँ व्यू एंड उधर जाकर थोड़ा डिटेल्स और भी बताऊँगा। चलो ये फ्लाईओवर एक मेनली बना है आपका, ये फ्लाईओवर मेनली बना है आपका डॉक में जाने के लिए, वो है पोर्ट, हल्दिया पोर्ट डॉक, जहाज आता है, जहाज वगैरह बहुत दूर दूर से आता है, मेनली बना है आपका ट्रक वगैरह जाने के लिए, प्राइवेट कार भी जाता है, बस इसके ऊपर से नहीं जाता है, क्योंकि बस को पैसेंजर लेना पड़ता है रानी चौक में। तो अगर वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा तो नीचे पैसेंजर को ड्रॉप नहीं कर पाएगा, मैं पैसेंजर को उठा भी नहीं पाएगा। तो ये रहा फ्लाईओवर का कुछ व्यू, देखो आप लोग एंजॉय करो।
मैं अभी ये जो रोड देख रहे हो, मैं अभी उस तरफ खड़ा था, तो उधर से अब मैं पूरा घूम कर घूमते हुए इधर आया, तो वो रहा टाउनशिप, हल्दिया टाउनशिप। उधर से आप स्ट्रेट आओगे, देख सकते हो बस वगैरह नीचे से जा रहा है, स्ट्रेट जाओगे तो नीचे से जा सकते हो उधर दुर्गा चौक, एंड इधर से लेफ्ट लोगे तो सिटी सेंटर वगैरह होगा। ये मैं ये लेफ्ट साइड से आया, तो इधर जो रोड जा रहा है वो रोड गया है आपके डॉक की तरफ, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स उधर है। डॉक से आपका ट्रक्स वगैरह आता है माल लोडिंग करके, और दूसरी तरफ से उधर से जाता है। अगर आप दुर्गा चौक सिटी सेंटर से ये मेचेदा कोलाघाट से आ रहे हो और फ्लाईओवर यूज़ कर रहे हो, तो हल्दिया जाने की तरफ, हल्दिया टाउनशिप जाने की तरफ इधर तो अब नहीं जा पाओगे। तो टाउनशिप जाने के लिए आपको नीचे फ्लाईओवर के नीचे से ही जाना होगा। ये सामने जो आप देख रहे हो ये डिवाइडर, पहले इधर खुला था, ये छोटा डिवाइडर जाकर बड़ा हुआ है, ये छोटा था कि लास्ट था, ये बड़ा डिवाइडर नहीं था। तो शायद मेरे ख्याल से गाड़ी वगैरह फ्लाईओवर में चढ़कर दुर्गा चौक जाने के लिए उधर से राइट मोड़ लेता था, तो वो बहुत रिस्की था, किधर से भी ट्रक गाड़ियाँ आकर एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए शायद वो डिवाइडर को पूरा एक साथ जोड़ दिया। उधर एक्चुअली गैप था, वो सामने गैप था, वो पूरा कनेक्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा इससे। तो फिलहाल चलते हैं सामने की तरफ। तो थैंक यू विजिट अगेन, तो मैं तो फिर चाहूँगा। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट हल्दिया फ्लाईओवर। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करेगा। जो लोग टाउन से में रहे थे उसको शायद अभी तक पता चल चुका है इस फ्लाईओवर के रूट के बारे में। जो नया है, मतलब दूर दूर से आता है, बाहर से आते हैं, उन लोगों को तो पता नहीं है। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प करें। तो ये छोटा सा वीडियो हो गया, एंड मेरा स्कूटी का टेस्ट भी हो गया। सिग्नल ओपन है, जल्दी से चला जाते हैं, नहीं तो सिग्नल रेड हो गया तो वेट करना। ये ऑटो वाला को किधर खड़ा है, टर्निंग पर खड़ा है, क्या बताएं। हाँ, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो बोल रहा था कि मैं लॉन्ग राइड पर जाने वाला हूँ, लॉन्ग राइड बोले तो मैं लॉन्ग राइड किया हूँ आपका पांसकुड़ा खिराई, जो वैली ऑफ फ्लावर्स गार्डन है उधर एक गया है, वो 60-70 किलोमीटर होगा मेरे घर से हल्दिया टाउनशिप से। एंड और एक लॉन्ग राइड किया हूँ मैं कोलाघाट तक। तो इस बार मैं इससे भी ज़्यादा लॉन्ग राइड करने वाला हूँ। किधर जा रहा हूँ वो अभी आप लोगों को मैं नहीं बताऊँगा, वो सरप्राइज़ है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को पता चलेगा। खाली मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरा जो लॉन्ग राइड होने वाला है वो सोलो है, एंड वो लगभग 120-130 किलोमीटर होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आप लोग अभी गेस करो, कमेंट करके बताओ मैं किधर जाने वाला हूँ लॉन्ग राइड पर। अरे यार व्यू तो देखो कितना मस्त, आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड, सेफ लाइफ, बाय बाय, सी यू।